हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी एकदम स्ट्रीट स्टाइल, कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ कि जब भी आप ये घर पर बनाएंगे बनेगी एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमें सब्जियां बॉईल करनी है, जिसके लिए मैंने लिया है 3 बड़े साइज़ के आलू। आप चाहें जैसे शेप में उसे काट सकते हैं। साथ ही मैंने ऐड किया है लौकी और फूल गोभी। यहाँ पे पत्ता गोभी न लें, क्योंकि पत्ता गोभी अच्छे से मैश नहीं होती है। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 बीटरूट यानी चुकंदर, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और हमें आर्टिफिशियल फूड कलर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मटर। मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, आप चाहे तो फ्रेश पीस भी ले सकते हैं, और कैरेट यानी गाजर, ऑरेंज या रेड जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। बेसिकली आप जो भी सब्जी है इसमें ऐड करना चाहें वो आराम से डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और आधा ग्लास पानी, और इसे अब हम पकाएंगे जब तक कि 4 से 5 विसल नहीं आ जाती। तो जब तक सब्जियां बॉईल होती हैं हम बना लेते हैं हमारा मसाला, जिसके लिए मैंने लिया कढ़ाई। उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि बटर जल्दी से जलने लगता है तो इसमें ऑयल ज़रूर ऐड करें। तो जब तक ये मेल्ट होता है हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा ये प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े टमाटर लिए हैं, और ली है लाल मिर्च, जिससे अच्छा स्पाइसीनेस और फ्लेवर और कलर दोनों ऐड होगा। तो इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के अनियंस यानी प्याज, जिसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया था। तो बारीक चॉप करने से जो हमारी ग्रेवी है यानी कि पाव भाजी है वो काफ़ी स्मूथ बनेगी। इसे हमें लाइट पिंक होने तक पका लेना है। तो प्याज अच्छे से पक चुके हैं, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी हम 1 मिनट के लिए चला लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है, रॉ फ्लेवर और स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे, और इसमें ऐड करेंगे आधा शिमला मिर्च, जिसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। तो शिमला मिर्च यही एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर पाव भाजी में आता है। जब हम बाहर खाते हैं तो ये पता ही नहीं चलता कि इसमें शिमला मिर्च भी एडेड है, बट इसी की वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर पाव भाजी में आता है। तो शिमला मिर्च हमें प्याज के साथ ही फ्राई करनी है, इसे हमें सब्जियों के साथ बॉईल नहीं करना है। मसाला अब हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसके बाद में हम डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले जो कि जलेंगे नहीं, तो पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नॉर्मल रेड चिली पाउडर थोड़ी स्पाइसीनेस के लिए। तो साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर काली मिर्च, ये भी बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे, और 2 चम्मच भर कर पाव भाजी मसाला किसी भी ब्रांड का आपके पास हो वो आप ज़रूर ऐड करें। तो इन सभी मसालों को हम अच्छे से प्याज के साथ में भून लेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर मसालों का निकल कर आएगा। तो मसाले अब हमारे अच्छे से तेल में भुन चुके हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और लाल मिर्च का पेस्ट। आप देख सकते हैं लाल मिर्च की वजह से कितना अच्छा कलर इसमें आया है। तो टमाटर ऐड करने के बाद में यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पाव भाजी में हमने अभी तक कोई आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड नहीं किया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल एकदम अच्छी सी लाल रंग की पाव भाजी हमारी बन रही है। तो इसे अब हम पका लेंगे जब तक कि तेल नहीं छूटने लगता और टमाटर का कच्चापन नहीं निकल जाता। तो 5 से 6 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर ढककर पका लिया था। अब चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जियां गली हैं कि नहीं। 4 से 5 विसल आ गई थी और सारा प्रेशर रिलीज हो चुका है, सब्जियां भी अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब हम इसे मैश करेंगे इस मैशर की हेल्प से। इसे हमें एकदम अच्छे से मैश करना है ताकि कोई भी चंक हमारे मुँह में ना आए, और एकदम स्मूथ सी रनी पाव भाजी बनकर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं चुकंदर यानी बीटरूट ऐड करने की वजह से कितना अच्छा रेड कलर पाव भाजी को मिला है। तो अब हम इसे ऐड कर लेंगे हमारे प्याज और टमाटर के मसाले में, और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। तो सर्दियों में गर्मा गर्म पाव भाजी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें डलती हैं सारी सब्जियां जो कि हमारे बच्चे नॉर्मली नहीं खाते। तो इसे अब हम ढककर पका लेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। तो पाव भाजी हमारी बिल्कुल रेडी है, कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। देखिए कितनी स्मूथ पाव भाजी बनकर तैयार हुई है। इसमें हम डालेंगे नेक्स्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि कसूरी मेथी, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके और थोड़ा सा क्रश करके ऐड किया है। तो इन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ जब आप पाव भाजी बनाएंगे तो आपकी पाव भाजी भी बनेगी एकदम स्ट्रीट स्टाइल। साथ ही इसमें ऐड करें थोड़ा सा मक्खन
जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर एंड में आएगा और खूब सारा हरा धनिया। तो बस हमारी पाव भाजी बिल्कुल रेडी है, आप इसे सर्व करें गर्मा गर्म पाव के साथ। पाव को मैंने थोड़े से बटर और थोड़े से पाव भाजी मसाले के साथ अच्छे से तवे पर सेक लिया था। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से पाव भाजी बनाएं, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।